Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 13, exercise 13.1. Chapter name is surface areas and volumes. 4 class 10. Question number is 6. 13.1 के स्टार्टिंग में गिवेन है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22 अपॉन रूट 7. अगर किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवेन है तब आप उस वैल्यू को लोगे, अदरवाइज 22 अपॉन में 7 लेनी है. क्वेश्चन विच इज अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर. एक कैप्सूल है, ऐसे भी घर में जो भी यूज करते हो आप कैप्सूल, या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स का जो कैप्सूल है आप उसे देख सकते हो, वो इस फॉर्म में होता है. ओके, बस उसी का हमें सरफेस एरिया निकालनी है. शेप ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर स्टक. इसमें क्या होता है कि एक सिलेंडर और दोनों साइड से हेमिस्फीयर अटैच होते हैं, इस टाइप का फिगर होता है. टू इच ऑफ इट्स एंड्स द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर. पूरे जो कैप्सूल का लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की 14 mm है. एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, इस कैप्सूल का डायमीटर जो है, डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है 5 mm है. मतलब यहाँ अगर डायमीटर है तो ये भी 5 होंगे, ये भी 5 होंगे. फाइंड इट्स सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया फाइंड करनी है. तो ये दो फिगर से बना हुआ है, एक हो गया सिलेंडर है ना, जो कि इस पार्ट में है, और दूसरा हो गया हेमिस्फीयर जो कि इधर और इधर है. दोनों इक्वल है ना, ये हेमिस्फीयर जो दोनों बोथ साइड्स अटैच्ड है वो दोनों इक्वल है. तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो रेडियस क्या होगा, और इक्वल टू इसका भी रेडियस वही होंगे जो हेमिस्फीयर का रेडियस है, वही सिलेंडर का रेडियस है. तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 5/2.5. एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी उतना ही है. लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का लेंथ क्या है, यहाँ से ये अगर रेडियस ये है, इसका मतलब ही है, इसका ये रेडियस ही है, ये वाली लाइन रेडियस है. तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 एंड यहाँ से यहाँ तक 2.5. ओके, एंड टोटल लेंथ जो है वो 14 mm है. तो 2.5 प्लस में 2.5, हमने क्या करना है, पूरे फुल लेंथ से 2.5 एंड प्लस 2.5 को माइनस कर देना है. जब माइनस किया तो 9 mm आ गए सिलेंडर का हाइट. अब हमें क्या जो निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल हमें फाइंड करनी है. तो कब सरफेस एरिया, हाँ ध्यान देना है कि कब हम कब सरफेस एरिया ले, कब टोटल सरफेस एरिया ले. तो डिपेंड करता है बेटा कि अगर आपका टॉप पोजीशन भी दोनों इंक्लूड हो तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे, और अगर सिर्फ हॉलो पार्ट उसका लेना है तब हमें उसका कर्व सरफेस एरिया, या तो फिर उसे ही हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल वी कैन राइट, जैसे कि सपोज दैट, आपको मैं एक पेज से समझाती हूँ, कोशिश करती हूँ. सपोज दैट ये पेज है और आपका जो सिलेंडर है इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में होगा ये. अगर हॉलो सिलेंडर, ये क्या है, हॉलो है. कैप्सूल में तो ये हॉलो का ही होगा, क्योंकि ए पार्ट अगर क्लोज होंगे, ये दोनों पार्ट अगर क्लोज होंगे तब ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड होंगे, जिसका कि बेस दोनों बेस यानी 2πr² यानी इधर भी एक सर्कल और इधर भी एक सर्कल. तो पाई आर स्क्वायर एक का एरिया होता है, तो 2πr² इस तरीका से ऐड होता है. खैर अभी उसकी बात नहीं करनी है. तो ये अभी इसका कब सरफेस एरिया लेना है, तो ये कब सरफेस एरिया लेंगे, और हॉलो जो हमारा हेमिस्फीयर है दोनों साइड में लगी हुई, उस हेमिस्फीयर का भी हम कब सरफेस एरिया लेंगे. तो यही लिखा मैंने यहाँ पे, कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. एंड दो है, दैट्स वाई दोनों की इक्वल मेजरमेंट है, उनकी जो रेडियस है इक्वल है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 मल्टीपल कर दिया कप सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. 2πrh इसका हो गया कप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, 2πrh, और इनकी फॉर्मूला हो गई 2πr², और हमने 2 से उसे मल्टीपल कर दिया. ये आ गया 2π, अभी हम एज इट इज अगर रखें तो बेहतर होगा. एंड आर की वैल्यू क्या गिवेन है, मल्टीपल में आर, विच इज हम 5/2 भी लिख सकते हैं, 2.5 भी लिख सकते हैं. एंड मल्टीपल एच हमारा क्या है, लेंथ ऑफ हाइट ऑफ हो गया, नहीं हाइट ऑफ, तो ये हो गया हमारा 9. एंड प्लस में 2 इंटू
टू मल्टीपल पाई एंड मल्टीपल 2.5 का स्क्वायर। ओके, इन तीनों को अगर इन दोनों को मल्टीपल करेंगे 2.5 मल्टीपल 2 5 आएंगे एंड इसे 9 से मल्टीपल करेंगे तो 45 आएगा, 45 पाई एंड प्लस में इन दोनों को ये होगा आपका, फिर से मैं लिखूं प्लस 2 इनटू पाई पहले लिख दूं मल्टीपल 2 मल्टीपल 2.5 का जो स्क्वायर है वो होता है 6.25। ओके, अब इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे ये आ गया 45 पाई प्लस में 2 इनटू इन दोनों को प्लस मल्टीपल करोगे तो सॉरी ये 2 2 4 हो गया इधर का जो है इसे मैं ये वाला अब ना लिख करके वी कैन राइट लाइक दिस कि पाई मल्टीपल 4 मल्टीपल 6.25। ओके, ये आ गए 45 पाई प्लस में 25 पाई। अब इन दोनों को जब पाई दोनों में क्या है कॉमन है, पाई कॉमन लिया तो ये आ गए, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो यहाँ मल्टीपल लिख दूँ मैं मल्टीपल में 70। पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7 एंड मल्टीपल 10, इन्हें कैंसिल करेंगे आंसर विच इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तब जो जब दो तरह का फिगर मिक्सअप करके जो कंप्लीट सॉलिड फिगर बनाई जाती है तो उसके लिए हमें जो जो जिस टाइप का भी आपको सॉलिड फिगर अटैच्ड है उनका फॉर्मूला लेंगे और फिर उन्हें ऐड करके उसकी सॉल्यूशन करेंगे। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।